हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट यहाँ पे जो आई टैब है यहाँ पे जाके मेरे प्रीवियस वीडियोज आप देख सकते हैं। स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर इस पर मैं वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ और मेरा सबसे स्टार्टिंग जो वीडियोज थे लाइक रैंक ऑफ मैट्रिक्स, देन उसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और लाइक आगे मैंने और भी वीडियोज बनाए थे वो सब के बाद मेरा जो तीसरा नंबर का वीडियो था लाइक चौथा नंबर का वीडियो था जिसमें मैंने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर बताया था मेरा स्टार्टिंग वीडियो, तो वहाँ पर थोड़ी सी क्वालिटी वाइज इशू है। तो स्टूडेंट वो भी एक बार आप आईटैब पे जाके देख सकते हैं। पर इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर निकालने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स और भी हैं जो मैं आपको भी बताऊंगा और वो बहुत ही हेल्पफुल है और ये जो कंटेंट है पूरा लाइक मॉडिफाइड कंटेंट है तो आपको बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेगा। सो स्टूडेंट देखिए आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूँ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करेंगे आइगन वैल्यूज के बारे में कि आइगन वैल्यू होती क्या है। राइट, लेट ए आई जे बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, कंसिडर द होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स, या फिर इस लैम्बडा एक्स को उधर ले आइए तो एक्स कॉमन आएगा तो आइडेंटिटी रह जाएगा। तो हमारे पास ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बनती है। इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है, इस डिटर्मिनेंट को हम निकालते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक लैम्बडा में इक्वेशन मिलती है, उसको बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। या पहले तो बराबर जीरो नहीं पुट करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल मिलेगी, उसको जीरो पुट कर देंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी। उस इक्वेशन को सॉल्व करके जो लैम्बडा की वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या होती है, आइगन वैल्यू होती है। एग्जांपल लेता हूं, राइट, एग्जांपल पकड़ते हैं उससे आपको समझ में आएगा। क्लियर है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स दे रखी है आपके पास 1 2 3 1। क्लियर है, ये दे रखिए स्टूडेंट ये मैट्रिक्स आपके पास। राइट, तो मैंने आपको बोला ए माइनस लैम्बडा आई है ना, ये हमारे पास क्या होती है, एक्स को हटा दीजिए, एक्स का मतलब भी नहीं है ना, तो सुनिए यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस लैम्बडा आई। क्लियर है, तो सुनिए क्या होगा, लैम्बडा आई मीन्स क्या होगा, आपको जो आई मैट्रिक्स दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। वैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, सुनिए यहाँ पे 1 2 3 1 और यहाँ पे आएगा माइनस का लैम्बडा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 1 0 0 1 हो जाएगा। राइट, और इसको जब आप लैम्बडा अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों लैम्बडा यहाँ आएंगे और ये दोनों इससे माइनस होंगे। राइट, तो हम सीधा इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम सीधा लैम्बडा क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं ना, यहाँ पे लैम्बडा माइनस हो जाएगा और यहाँ पे लैम्बडा। अब इसका जो डिटर्मिनेंट होगा स्टूडेंट, इसका जो हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। राइट, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। क्लियर है, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना था स्टूडेंट, 1 माइनस लैम्बडा है ना, दिस इंटू दिस। राइट, 1 माइनस का लैम्बडा का होल स्क्वायर माइनस एक्स। क्लियर है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो यह कितना आएगा, लैम्बडा स्क्वायर एंड देन माइनस का 2 लैम्बडा प्लस का 1 तो ये आएगा माइनस का 5 स्टूडेंट। ये हमारे पास आता है, इसको बोलते हैं हम पॉलीनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट इसको, कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल। और अगर इसको हम जीरो पुट कर दें तो इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जीरो पुट कर देंगे तो इक्वेशन, जीरो में नहीं पुट करेंगे लिखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल। अब यहां से हम सॉल्व करें और जो लैम्बडा की वैल्यू आएगी स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने पर जो लैम्बडा की वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या होती है, आइगन वैल्यूज होती है। क्लियर, तो वही चीज समझाना चाह रहे हैं, हियर द कंसर्न टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा विच इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन आती है और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में यहाँ पे आईटी पे जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस को आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में बताया कि होमोजीनियस इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू जीरो जो होती है वो होमोजीनियस इक्वेशन होती है, और होमोजीनियस इक्वेशन जो होती है वो हमेशा कंसिस्टेंट होती है, मतलब उसका सॉल्यूशन या तो ट्रिवियल होता है दैट इज जीरो सॉल्यूशन होता है, या फिर नॉन ट्रिवियल होता है मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन होता है। पर सुन, यहाँ पे जो हमारे पास सॉल्यूशन आता है वो क्या आता है, नॉन जीरो जीरो सॉल्यूशन आता है, मतलब हमारे पास इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होता है। वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आइगन वैल्यू आप समझ लीजिए। राइट, तो इसमें ये आपको बताया कोई भी मैट्रिक्स रखा उसके डायगोनल में माइनस लैम्बडा कर दीजिए, उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा उससे हम क्या करते हैं, इसे लैम्बडा में इक्वेशन आती है, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल होती है, और बराबर जीरो पुट करते तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है, और बराबर जीरो पुट करने पर जो रूट आते हैं मतलब लैम्बडा की जो वैल्यू आती है उसको हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज बोलते हैं। स्टूडेंट मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट को यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने में बहुत तकलीफ होती है। अगर आपने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल अगर आपने गलत निकाल दी तो आपका क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। इक्वेशन गलत निकली तो आइगन वैल्यूज गलत निकलेगी, और आइगन वैल्यूज गलत निकली तो आइगन वेक्टर भी गलत निकलेगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, आप एग्जाम में क्वेश्चन चेक कर सकते हो कि सही है कि नहीं है, आई टैब पे जाके वीडियो देख लो, मजा आ जाएगा, है ना। इतना शानदार वीडियो अपलोड कर रखा मैंने जिसमें शॉर्ट ट्रिक से मैंने 2x2 और 3x3 मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं और कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल को कैसे शॉर्ट में निकालते हैं वो मैंने समझा रखा है, आईटी पे जाके आप समझ लेना, बहुत हेल्प मिलने वाली। राइट, सो देखिए आगे, ये मैंने बताया इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। राइट, ये डिटर्मिनेंट है, दिस इज डिटर्मिनेंट। राइट, है ना, मैट्रिक्स नहीं है, तो जो भी हमारे पास इक्वेशन आएगी उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल, और बराबर जीरो पुट कर देंगे इसको बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। वही समझाया जो यहाँ पे लिखा हुआ है।
क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इन दिस चैप्टर मतलब इस क्लास के अंदर हम जो नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते हैं ax is equal to 0, ये हमारे पास एक होमोजीनियस इक्वेशन होती है, राइट। अब यहाँ पे जो होमोजीनियस इक्वेशन बनती है स्टूडेंट, मैंने आपको बोला अभी मैंने आपको बताया कि a माइनस लेमड़ा आई, राइट, ये एक मैट्रिक्स बताइए, क्लियर है। अभी इस मैट्रिक्स को हम यहाँ पे क्या करें, x लाइक इक्वेशन आ जाए यहाँ पे, है ना। तो ये जो x आता है हमारे पास, ये हमारे पास क्या होता है, जो x की वैल्यू होती है इसकी मैट्रिक्स की, वापस हम इक्वेशन बना के अगर इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये जो एक्स आता है ये हमारे पास क्या होता है, इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैक्टर होता है। मैं अभी बताऊंगा क्या होता है, अभी समझा के बताता हूँ स्टूडेंट। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मेरी पहली क्लास है इस आइगन वैल्यू और आइगन वैक्टर पर, तो आज जो पहली क्लास है इसके अंदर मैं फंडामेंटल कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ट्रिक समझा रहा हूँ और थ्योरी समझा रहा हूँ कि क्या थ्योरी है, राइट। जो नेक्स्ट क्लास आएगी मेरी उसके अंदर मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाऊंगा कैसे हम आइगन की वैल्यू और कैसे हम आइगन वेक्टर निकालते हैं नेक्स्ट क्लास में, ना। पर इस क्लास में एक बार आपको समझा दूं कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर होता क्या है और कंसेप्ट क्या है, क्लियर, वो चीज समझाना चाह रहा हूं, राइट। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा, 4, 1, 3 and 2, क्लियर है, हम एक पकड़ लेते हैं, क्लियर। स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं तो ए माइनस लैम्डा आई, राइट, कितना आएगा स्टूडेंट यहाँ पे, वही सेम करेंगे, क्या आएगा, 4 माइनस लैम्डा एंड 1 एंड 3 एंड 2 माइनस लैम्डा, क्लियर। इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो क्या आएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, लाइक दिस इज द डिटरमिनेंट नॉट मैट्रिक्स, राइट। तो इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर स्टूडेंट माइनस ये दोनों जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 6 लैम्डा हो जाएगा, है ना, प्लस इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, 8 में से 3 गया तो 5, राइट। तो हमारे पास आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस का 5, तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल आती है, बराबर 0 पुट कर दीजिए। मतलब आपको ट्रिक समझा रहा हूँ, ट्रिक ये है कि अगर ये ट्रिक आपको उस प्रीवियस वीडियो में दी जाएगी, अगर ए बी सी डी कोई मैट्रिक्स दे रखी है तो इसकी 2x2 मैट्रिक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल होती है वो होती है ए प्लस डी, इसमें इन दोनों को जोड़ दो यहाँ पे, वो इनटू लैम्डा आ जाएगा प्लस लास्ट में इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा, दैट इज ए डी माइनस बी सी, क्लियर है, ये इसकी वैल्यू आती है, क्लियर है ना। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल आती है फॉर 2x2 मैट्रिक्स, इसे 3x3 आता है वो आप आई टेप पे जाके देखेंगे, समझ में आएगा, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, राइट। स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसको जीरो पुट करते हैं, जीरो पुट करके यहाँ पे क्या निकालते हैं, इसके आइगन वैल्यू निकालते हैं, राइट। तो स्टूडेंट आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस, मैं इसको लिख दूँ 5 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे लैम्डा निकालेंगे हम, तो ये आएगा लैम्डा माइनस 5 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो लैम्डा माइनस 5, इसमें हम देखते हैं लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ रहा है, 1 एंड 5 आ रहा है। इसमें आपको चेक करना है कि अरे आइगन वैल्यू गलत तो नहीं है, तो 1 और 5 का जो सम है वो इसके डायगोनल के सम के बराबर होना, देखो 2 और 4 6, इन दोनों को जोड़ दो 5 और 1 6, मतलब सही, ये 6 आ रहा है, इन दोनों का जोड़ भी 6 आना चाहिए ना, मतलब सही है, क्लियर। अब बात करते हैं आइगन वेक्टर के बारे में, कि ये तो आइगन वैल्यू निकल गई, अब आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, क्लियर। देखो अगली क्लास में आपको समझाने वाला हूँ, नेक्स्ट जो क्लास है उसमें एग्जांपल लेके समझाऊंगा, पर एक ट्रिक दे रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ कि होता क्या है, क्लियर। तो एक समझा रहा हूँ मैं आपको, मैं 1 के लिए समझा रहा हूँ कि 1 के लिए कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए अगर आपको आइगन वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो स्टूडेंट कुछ नहीं करना है, जहां पर भी लैम्डा है वहां 1 रख दीजिए आप, तो ये आएगा ए माइनस, ध्यान दीजिए ए माइनस आई करेंगे, है ना, ठीक है, और इनटू एक्स करेंगे यहाँ पे, इनटू एक्स करेंगे, तो इसमें यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिए जहाँ पर भी लैम्डा वहाँ 1 रखेंगे तो ये आएगा 3, 1 and 3 and 1, क्लियर है। इसमें यहाँ पे आएगा ये x1 x2, क्लियर है, इज इक्वल टू 0 0। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ एक और चीज़ समझने की जरूरत है, अगर कोई भी मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यू दोनों नॉन जीरो है, देखो दोनों नॉन जीरो है, तो इसकी रैंक 2 होगी, है ना। पर जैसे ही देखो मेरी बात सुनो, इधर देखो मैं आपको बोल रहा हूँ कि x-1 into x-5, क्लियर है। अब इसकी रैंक 2 है, मतलब यहाँ पे ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, पर जैसे अगर मैं 1 रख दूँ, बाहर मान लीजिए मैंने 1 रख दिया, x इज इक्वल टू 1 रख दिया, तो जैसे ही 1 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये नॉन जीरो होगा, क्लियर है। तो आप देख रहे हो इसकी रैंक 1 से कम हो जाएगी, मतलब इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, जितने नॉन जीरो होंगे उतनी रैंक होगी, क्लियर। तो जैसे ही 1 रखेंगे तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और जब भी रैंक 1 होती है और इस टाइप की इक्वेशन होती है, होमोजीनियस इक्वेशन है और इसकी रैंक 1 से कम हो रही, मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, नॉन जीरो सॉल्यूशन आएगा, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, और वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो होता है वो आइगन वेक्टर होता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इधर देखो कैसे, इसमें ये दोनों लाइन सेम है, ट्रांसमिशन लगा दीजिए आप, है ना, तो ये आएगा R2 - R1, और ये R2 - R1 निकालेंगे तो कितना आएगा, 3, 1, ये दोनों 0, 0 हो जाएगा, और ये आएगा आपके पास X1, X2, और ये आएगा 0, 0। इसमें जब इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ आएगा 3x1 + x2 इज इक्वल टू 0, और देखो यहाँ पे x2 की वैल्यू हम क्या ले लीजिए, k ले लीजिए, या x1 की वैल्यू k ले लीजिए, स्टूडेंट x1 k ले लीजिए, x1 k लेंगे तो x2 हमारे पास कितना आएगा, माइनस का 3k आ जाएगा, और स्टूडेंट ये जो हमारे पास आएगा, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो होता है, ये हमारे पास आइगन वेक्टर होता है। लिखते कैसे हैं, इधर देखिए मैं लिखना सिखाता हूँ आपको, इसमें लिखते कैसे, इधर देखिए मैं इसको हटा रहा हूँ। अब हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या है, x1 क्या है, x2 - 3 क्या है, तो यहाँ पे x1 और x2 लिख दीजिए, स्टूडेंट k को बाहर निकाल दीजिए,
की को बाहर निकाल दीजिए, तो फर्स्ट वैल्यू कितनी आ रही, एक्स1 की वैल्यू कितनी आ रही 1 और इसकी वैल्यू आ रही -3। तो ये जो होता है हमारे पास क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैक्टर होता है। तो इस तरीके से निकालते, और यही चीज यहाँ पे समझा रखी है ना। तो ये जो होता है ये इन्फाइनाइट सॉल्यूशन होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये ध्यान देने की जरूरत होता है। नाउ आगे बढ़ते स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ एक्स इज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ 1 देन के एक्स इज ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ 1 एंड के इज एनी स्केलर, ठीक है। तो फालतू पॉइंट है। इधर देखिए, द नॉन जीरो सॉल्यूशन, द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दैट इज इनफाइनाइट। मैंने आपको बोला है कि जब भी हम आइगन वेक्टर निकालते हैं तो वो एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, क्लियर है, या फिर नॉन जीरो सॉल्यूशन होता है, या एलडी वेक्टर्स होता है ना। सो ऑल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स, राइट। एन माइनस आर गिवन द वैल्यूज ऑफ नंबर ऑफ एलआई सॉल्यूशन, द एलआई एलआई आइगन वेक्टर्स ऑफ अबव सिस्टम, ठीक है। एलआई वाला कांसेप्ट मैं आपको आगे समझाऊंगा। इफ टू आइगन वैल्यूज आर सेम देन देयर इज ओनली वन एल आई सोल्यूशन, देन देर विल बी अ सेम आइगन वैल्यू आइगन वैक्टर फॉर बोथ द आइगन वैल्यू। सुनिए, यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जब भी दो आइगन वैल्यू सेम आती है ना, नॉर्मली तीन अगर आइगन वैल्यू सेम है ना, सॉरी तीन आइगन वैल्यू अगर डिफरेंट है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँगा आइगन वैल्यू आ रही 1, 2, 3, तीनों डिस्टिंक्ट आ रही है, तो उसके जो आइगन वैक्टर्स आएंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, क्लियर है। अभी क्या होगी, नेक्स्ट वीडियो है उसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा आपको, है ना, तो टेंशन मत लेना, क्लियर है। अगर बाई चांस दो आइगन वैल्यू रिपीट कर जाती है, तो उस वाले केस में जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स होते हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। तो इसमें डायगोनलाइजेशन का कंसेप्ट आता है, सो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, है ना। तो ये पॉइंट अभी आगे रहने देता है। इफ टू आइगन वैल्यूज आर सेम बट देर इज टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, देन देर विल बी डिफरेंट आइगन वेक्टर फॉर द ईच आइगन वैल्यूज, राइट, ठीक है। ये तो आगे आएगा। द रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर नॉन एज आइगन वैल्यू, और कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट आइगन वैल्यूज को हम कैरेक्टरिस्टिक रूट भी बोलते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी बोलते हैं, आइगन रूट्स भी बोलते हैं, लेटेंट रूट भी बोलते हैं, क्लियर है। तो इसके अलग अलग नाम है, याद रखने की जरूरत है। द सेट कंसिस्टिंग आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट आइगन वैल्यूज इज एलआई। स्टूडेंट अगर आपके पास आइगन वैल्यू सभी अलग अलग है, लाइक अगर बाय चांस आइगन वैल्यू अलग अलग है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। इफ द सेट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जितनी भी हमारे पास आइगन वैल्यूज होती है उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ मैट्रिक्स ए। एंड जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होती है, स्टूडेंट जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम रेडियस ऑफ ए। जो भी मैट्रिक्स की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम रेडियस ऑफ ए, ठीक है। स्टूडेंट एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और एक होता है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है होता क्या है, क्लियर है। और एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी से डायगोनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसमें जब एग्जांपल लूंगा तब आपको एक्जैक्टली समझाऊंगा कि ये क्या होता है, पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। इसमें ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होती क्या है, मतलब एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होती क्या है समझाना चाहता हूं। अगर आपने किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकाली, मान लीजिए आइगन वैल्यू आ रही 1, 2 एंड 3, तो तीनों आइगन वैल्यू एक एक बार आ रही है ना, 1 भी एक बार आ रहा, 2 भी एक बार आ रहा, 3 भी आ रहा, तो इनकी जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी 1 होगी, है ना, ठीक है। 1 की भी 1 होगी, 2 की भी 1 होगी और 3, क्योंकि तीनों एक एक बार ही आ रहा, राइट। पर अगर बाय चांस यहां पे मैं आपसे बोलूं कि ये 1 रिपीट कर गया, क्या कर गया, 1 रिपीट कर गया, क्लियर है, 1 रिपीट कर गया, ये दोनों दो बार रिपीट कर रहा, लैम्डा मतलब 1 क्या हो रहा, दो बार रिपीट कर रहा, तो 1 की जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है वो कितनी होती है, 2 होती है, और 3 की जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी वो क्या होगी, 1। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो रहा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको अगर आप इक्वेशन फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे आएगा ना, लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड लैम्डा माइनस 3, अरे भाई इस बराबर 0 इसको सॉल्व करोगे दिया आएगा ना। तो यहां पे इसकी जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी मतलब पावर कितनी है, 2 है, और इसकी पावर कितनी है, 1, तो ये हमारे पास क्या होती है, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, दिस इज कॉल्ड एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, है ना, दैट इज कितनी पावर है उसकी, है ना, मतलब कितनी बार रिपीट हो रहा है, जितनी बार रिपीट होगा उतनी उसकी क्या होगी, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी, राइट। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, राइट। अब बात करते हैं एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो होती है आइगन वेक्टर से मतलब होता रहता है इसका, ना, मतलब जो आइगन वेक्टर्स आएंगे कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आ रहे हैं, जितने भी लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आएंगे वो इसकी क्या होती है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स फॉर अ पर्टिकुलर आइगन वैल्यू इज नॉन एज अ ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। स्टूडेंट हमेशा ध्यान दीजिए, मैं बताऊंगा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जब एग्जाम्पल लेंगे हम तब समझ में आएगा, क्योंकि बिना एग्जाम्पल चीजें समझ में नहीं आएगी, थ्योरी है तो थ्योरी को आप थ्योरी की तरह से समझने की कोशिश करिए। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है ना, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है वो हमेशा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी से बड़ी या बराबर होती है ना, मतलब एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हमेशा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, बड़ी या बराबर होती है, क्लियर। तो ये ध्यान देने की जरूरत है, और ये ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा विद एग्जांपल इन द लाइक अपकमिंग वीडियो, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, कुछ प्रॉपर्टीज हैं आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर की, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। द आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स इज ऑल रियल,
हर्मिशियन मैट्रिक्स जो होती है उसकी जितनी भी आइगन वैल्यूज होती है वो क्या होती है, रियल होती है। द आइगन वैल्यूज ऑफ इसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी। स्टूडेंट या तो जीरो होगी या प्योरली इमेजिनरी होगी। स्टूडेंट सेकंड, द आइगन वैल्यूज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसकी जो आइगन वैल्यूज होती है वो हमेशा यूनिट मॉडुलस होता है, राइट, है ना, मतलब उसका प्रोडक्ट कम करेंगे तो क्या आएगा, वन आएगा। द आइगन वैल्यूज ऑफ आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, स्टूडेंट आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। तो स्टूडेंट ये हमेशा क्या होती है, या तो वन होती है या जीरो होती है। द आइगन वैल्यूज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स, स्टूडेंट यूनिटरी मैट्रिक्स मतलब वही होता है, ए ए स्टार, है ना, इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसकी जो आइगन वैल्यू भी हमेशा यूनिट मॉडुलस होती है। द आइगन वैल्यू ऑफ इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स आर आइदर प्लस वन एंड माइनस वन, है ना, ठीक है। तो ये भी हमारे पास लाइक ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, है ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, इसको बोलते हैं हम यहाँ पे इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, क्लियर है। तो ये भी हमारे पास क्या होती है, प्लस माइनस वन होती है, राइट। द ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन द ए हैव सेम आइगन वैल्यूज ऑफ वेयर, लाइक देखो ये हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, मतलब इसको सिमिलर मैट्रिक्स, नॉट सिमेट्रिक, ये मैट्रिक्स ए जो होगा वो बी के सिमिलर होता है, राइट, मतलब इन दोनों का जो बिहेवियर होता है वो सेम होता है, मतलब दोनों की आइगन वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, सेम होती है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, अगर लैम्डा किसी ए की मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है तो उसकी जो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू होती है हमेशा लैम्डा इनवर्स होती है। अगर लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा एन आर आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन इसकी ए इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या होगी, वन अपॉन लैम्डा वन, वन अपॉन लैम्डा टू, स्टेप्स हो जाएगा, क्लियर, ये ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट, लैम्डा आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ये आता है। स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है जिसकी मैं आपसे बोलूँ ए मैट्रिक्स है, इसकी आइगन वैल्यू दे रखी 1, 2 एंड 3, राइट, तो आपसे पूछे कि इसकी एडजॉइंट की आइगन वैल्यू क्या होगी, राइट, तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट। तो स्टूडेंट किसी भी मैट्रिक्स का मतलब आपको डिटरमिनेंट निकालना होगा, उसकी आइगन वैल्यू गिवन है तो उसका प्रोडक्ट होता है, तो इसका जो डिटरमिनेंट होता है वो कितना होता है, स्टूडेंट इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो कितना आएगा, 1 × 2 × 3 हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6। तो स्टूडेंट आपको इसकी एडजॉइंट की आइगन वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, स्टूडेंट 6/λ, है ना, तो 6/1 आएगा, कोमा 6/2 आएगा, कोमा 6/3 आएगा, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसकी जो आइगन वैल्यू है वो 6, कितने आएगी हमारे पास, 3, 2, तो ये इसकी एडजॉइंट की आइगन वैल्यू आएगी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, मतलब डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, डिटरमिनेंट में फिर लैम्डा का डिवाइड कर दीजिए, है ना, तो ये कॉन्सेप्ट है, समझने की जरूरत है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए आगे, द मैट्रिक्स ए ए ए एंड इट्स ट्रांसपोज हैव सेम आइगन। स्टूडेंट अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज दोनों की आइगन वैल्यू हमेशा क्या होती है, सेम होती है। इफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 द एन आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन द आइगन वैल्यू ऑफ के, स्टूडेंट के मतलब अगर ए की आइगन वैल्यू दे रखी है आपको, माना कि ए की आइगन वैल्यू आपके पास दे रखी है 1, 2 और 3, तो आपसे बोले कि 5 ए की आइगन वैल्यू क्या होगी, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 5, 10 और 15 हो जाएगी, इसका मतलब ये हो रहा है। अगर ए की आइगन वैल्यू 1, 2, 3 है और आपसे पूछा जाए कि ए इनवर्स की आइगन वैल्यू बताओ, तो कितना आएगा स्टूडेंट, 1/1, 1/2 एंड 1/1 कर दो इसको, है ना, इसकी आइगन वैल्यू का, है ना। अगर आपसे बोला जा रहा है कि ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या होगी, तो उसका स्क्वायर कर दो, 1, 4 एंड 9 हो जाएगा। अगर क्यूब का बोले तो क्यूब कर दो इसको, क्लियर है ना। स्टूडेंट इफ टू कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ अ यूनिटरी मैट्रिक्स और रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल, ये ठीक है, ऑर्थोगोनल का कॉन्सेप्ट है, तो आगे बताएंगे अपन। स्टूडेंट कुछ थ्योरम है और ये थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या थ्योरम होती है, द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास कोई 3 × 3 की मैट्रिक्स दे रखी है, राइट, 3 × 3 की मैट्रिक्स दे रखी है, है ना, ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है और इसकी आइगन वैल्यू अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 तीन इसकी आइगन वैल्यू होती है ना, तो इसका जो डिटरमिनेंट होता है वो हमेशा इसके प्रोडक्ट के बराबर होता है, मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा, राइट। और इसका जो ट्रेस होगा, स्टूडेंट ट्रेस का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए, कोई भी आइगन वैल्यू है उसके प्रिंसिपल डायगोनल का सम, मतलब यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट आते हैं इनका सम, इनका जो सम होता है वो हमेशा आइगन वैल्यू के सम के बराबर होता है, क्लियर है, तो उसको बोलते हैं ट्रेस ऑफ है। स्टूडेंट ट्रेस ऑफ है, ट्रेस ऑफ ए जो होगा वो हमेशा क्या होगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 के बराबर होगा, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपके सामने बोलूँ कोई मैट्रिक्स दे रही है आपके पास 1, 4, 3, 2, 1, 5, 3, 7 एंड 5, तो इसका जो ट्रेस होगा वो कितना आएगा, सुनिए इसका ट्रेस आता है ना, तो ये आएगा 7, कितना रहा 7, तो इसका आइगन वैल्यू का जो सम होगा वो 7 के बराबर होगा, राइट, ये ध्यान दें, ये समझाना चाह रहा हूँ, क्लियर। तो ये दोनों, ये थ्योरम का प्रूफ एग्जाम में बहुत पूछ लिया जाता है, तो ये समझा, थ्योरम का प्रूफ लेते हैं कि कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, है ना। सो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स एंड द सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, है ना। तो ये आपको प्रूव करना है कि इसका जो प्रोडक्ट होगा, स्टूडेंट दिस इज द प्रोडक्ट, है ना, दिस इज द प्रोडक्ट, क्लियर है, ये आएगा। और स्टूडेंट ये क्या आ रहा है यहाँ पे, ट्रेस, है ना, ट्रेस का मतलब होता है इसका सम, है ना, ठीक है,
ये हमेशा क्या आएगा इसके बराबर आएगा राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू डिटरमिनेंट के बराबर होता है और आइगन वैल्यू का जो सम होता है वो हमेशा ट्रेस के बराबर होता है। तो अपन ये प्रूव करेंगे राइट। तो अपन क्या करेंगे, 3x3 के एक मैट्रिक्स को कंसिडर कर लेते हैं। मान लीजिए ये 3x3 की मैट्रिक्स है, क्लियर है। इसमें क्या करेंगे, -λ-λ डायगोनल में कर लेते हैं, क्लियर। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, हम जानते हैं जो भी हमारे पास आएगा लैम्डा क्यूब, फिर यहाँ पे इसका जो सम, अगर जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे a1 a2 a3, मतलब a11 a2, इसका जो डायगोनल का जो सम आता है ये वाला है ना, ये जो वैल्यू आती है स्टूडेंट, ये हमेशा यहाँ आती है स्टूडेंट। ये जो आईटे बार है यहाँ पे जाके एक शॉर्ट ट्रिक समझ लेना, उसमें समझ में आ जाएगा राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे a11 a22 a33 आएगा, जब आप इसका करोगे तो इसका जो सम आएगा मतलब ट्रेस जो आएगा वो हमेशा लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है राइट। और लैम्डा बताऊंगा क्या होता है और स्टूडेंट इसका क्या होता है, डिटरमिनेंट होता है। लास्ट जो टर्म होती है क्या होती है, डिटरमिनेंट होती है राइट। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये हमारे पास एक क्यूबिक पॉलीनोमियल है और क्यूबिक पॉलीनोमियल के 3 रूट होते हैं। मान लीजिए इसकी रूट है λ1 λ2 है ना और λ3, ये 3 रूट है। मान लीजिए 3 रूट है तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि रूट सम ऑफ द रूट कितना होता है, λ1 λ2 λ3। स्टूडेंट क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन दे रखी है ax³ है ना +bx² + cx + d, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखे तो हम जानते हैं माइनस का b/a इसके बराबर होता है राइट। तो सुनिए यहाँ पे देखो, ये इसका लैम्डा स्क्वायर कोफिशिएंट है। तो सुनिए हम क्या करेंगे, इसका जो सम आएगा वो क्या आएगा, ये हमारे पास a1 है ना, b हमारे पास ये रह गया और स्टूडेंट सी हमारे पास ये है और डी हमारे पास ये है ना, ये हमारे पास डी है, क्लियर है। तो हम जानते हैं स्टूडेंट ये क्या आएगा, माइनस का b/a और ऑलरेडी माइनस है तो सुनिए कितना आएगा, a11 + a22 + a33 अपॉन 1 करेंगे तो 1 आएगा। तो स्टूडेंट डायगोनल का जो सम आता है ना, डायगोनल का जो सम आता है वो हमेशा आइगन वैल्यू के सम के बराबर होता है राइट। और इसका जो प्रोडक्ट स्टूडेंट देखो, एक और होता है, देखो 3 रूट्स निकलते हैं, 3 हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है, 2 का कॉम्बिनेशन होता है ना, लाइक λ1 λ2 याद है, λ2 λ3 है ना, एंड देन λ3 λ1 याद है ना, ये किसके बराबर होता है आप जानते हो ना, बाय द कंसेप्ट ऑफ द पॉलीनोमियल राइट। कितना होता है स्टूडेंट, ये माइनस का b/a, ये c/a होता है राइट। और स्टूडेंट λ1 λ2 λ3 इन तीनों का जो प्रोडक्ट होता है λ2 λ3, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है स्टूडेंट, माइनस का d/a। तो स्टूडेंट d हमारे पास कितना रखा, डिटरमिनेंट, और ये कितना है 1 है, तो स्टूडेंट ये डिटरमिनेंट के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू हमेशा डिटरमिनेंट के बराबर होता है और सम ऑफ आइगन वैल्यू जो होती है वो हमेशा ट्रेस के सम के बराबर होता है। तो इस तरह से इस थ्योरम को हम बहुत इजीली यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। ये समझा रखा, देखो -d/a इसके बराबर होता है और माइनस का b/a इसके बराबर होता है राइट। सो दिस इज जनरल केस, आप आराम से इस तरीके से हम जानते हैं the product of eigen values is equal to trace of a the sum of eigen, the product of eigen values is equal to determinant of a and the sum of eigen values is equal to trace of a right। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। इसमें लास्ट एक क्वेश्चन है जिसको आप समझ सकते हो, मैं एक एग्जांपल देके समझा देता हूं कि कैसे आप eigen values और eigen vector निकालेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए राइट। तो इसमें आपको जैसे क्वेश्चन दे रखा है तो ध्यान दीजिए आप क्या करेंगे, इसमें यहां करेंगे 5 λ 4 and 1 and 2 λ, क्लियर है। स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको डिटरमिनेंट निकालेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, जानते हैं हम, इसको मल्टीप्लाई करके सिंपली करेंगे तो लेमड़ा स्क्वायर, इन दोनों का सम कितना आएगा स्टूडेंट, माइनस का 7λ आएगा है ना, एंड प्लस का इसका डिटरमिनेंट निकालो कितना आएगा, 10 में से 4 गया तो 6 आएगा राइट। कितना आएगा, 6 आएगा है ना, 6 आएगा, क्लियर है। ये हमारे पास इसका डिटरमिनेंट आएगा राइट, सॉरी दिस इज a-λ, क्लियर है, ये a-λ आएगा है ना, a-λ, क्लियर, ये डिटरमिनेंट है हमारे पास, क्लियर है। इसमें हम जानते हैं बराबर 0 पुट कर दीजिए तो इसमें जान रहे हैं लेमड़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 1 and 6 आएगी, क्लियर है, 1 and 6 आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगी, आइगन वैल्यू आएगा। आप चेक करो, देखो मैंने अभी बताया था आपको कि इसका जो ट्रेस का समय है स्टूडेंट, इसका जो λ1 + λ2, देखो आप λ1 + λ2 कितना रहा है स्टूडेंट, इन दोनों का जोड़ कितना रहा, 7, और वो इसके ट्रेस के बराबर रहा, देखो 7 के बराबर है ना, दैट इज ट्रेस ऑफ ए के बराबर आ रहा है राइट। और इन दोनों का प्रोडक्ट स्टूडेंट, दोनों का प्रोडक्ट λ1 λ2 कितना रहा है स्टूडेंट, λ1 λ2 6 आ रहा है, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 6 आएगा, और इसका डिटरमिनेंट निकालो कितना आएगा स्टूडेंट, 10 - 4, दैट इज ये भी 6 के बराबर आ रहा है, क्लियर है। तो ये हमेशा किसके बराबर आएगा, 6 के बराबर, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं ना। तो ये मैंने समझाया आपको, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरी नेक्स्ट आने वाली क्लास है जिसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम यहाँ पे आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर निकालते हैं, क्योंकि इस क्लास में मैं सिर्फ कंसेप्ट समझाना चाह रहा था कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर होता क्या है और क्या इनके पीछे कंसेप्ट और थ्योरम का प्रूफ मैंने आपको यहाँ पे समझाया। जो मेरी नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम क्वेश्चन, अगर हमें न्यूमेरिकल दे रखा है तो कैसे हम वहाँ पे आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर निकालते हैं, कैसे हम उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी पता करेंगे और कैसे हम पता करेंगे कि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी स्टूडेंट। लास्ट में मेरी वीडियोज़ है, ये मेरे CSIR नेट की प्लेलिस्ट है जहाँ पर मैं जनरल एप्टीट्यूड की वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ फॉर लाइफ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री सबके लिए। स्टूडेंट ये मेरी लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर मैंने काफी सारे वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं लीनियर अलजेब्रा और मैट्रिसेस पे। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं, ये मेरे दोनों चैनल है। स्टूडेंट मेरा नया चैनल जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ एप्टीट्यूड के लिए, स्टूडेंट मेरा हायर मैथ्स का चैनल जिसमें मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ फॉर रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।